अरे लेकिन मेरी प्यारी सी बेटी को हुआ क्या है? सब आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? आप ही ने अपनी इमेज हॉस्पिटल में ऐसे बना के रखी है कि अगर किसी को पता लग जाए कि आप मेरे पापा हो तो सब मुझसे दूर भागेंगे। तो अच्छा ही है ना, मेरे साथ ज्यादा वक्त बिता सकोगी तुम। वैसे भी कितने सालों के बाद तुम हमारे पास वापस आई हो। और एक बात बताऊं, जब तुमने तुम्हारे इंटर्नशिप के लिए वरदान को चुना, मेरा सीना गर्व से इतना कभी नहीं फूला था पहले। और एक तुम हो जो मुंह फुलाए बैठी हो। बात क्या है तानी? मैंने कहा ना, आई कांट कम। कुछ नहीं, वो मैंने एक फ्रेंड को डिनर पे बुलाया था और मैंने सोचा था हम सब मिलकर खाना खाएंगे, पर उसने आने से ही मना कर दिया। बस इतना ही? बचपन से तुम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे इतना नचाती थी, कभी कभी तो मुझे चक्कर आ जाता था। एनीवे, जरा हम भी तो सुने, ये कौन सा है आपका स्पेशल फ्रेंड? पापा। अरे वाह, इतना अच्छा घर किसने बनाया? बोधी ने बनाया। वेरी गुड। अच्छा बोधी, ये घर पूरा बन जाएगा तो इसमें कौन कौन रहेगा? मुन्ना रहेगा ना? ये बोधी है ना, ये घर अपने और सोनिया के लिए बना रहा है। सोनिया के लिए? क्यों, मुन्ना को नहीं रखोगे? क्योंकि सोनिया बोधी के साथ हमेशा रहती है, मुन्ना बोधी के साथ कभी नहीं रहता है। ओके सॉरी बाबा, आज पूरा दिन मुन्ना बोधी के साथ रहेगा, प्रॉमिस। ठीक है, तो फिर मुन्ना बोधी के घर में रह सकता है। वेरी गुड, बहुत प्यारा घर है। आयुष, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है जरा। हाँ। क्या बात है मैम, कोई प्रॉब्लम्स? नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तुम्हें हो सकती है अगर तुम डिनर के लिए तानी के पास टाइम पे नहीं पहुंचे तो। वो मैम, मैंने उसे ऑलरेडी फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आ सकता। देखो आयुष, आज हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसमें तान्या की कोई गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आजकल हॉस्पिटल में डॉक्टर दालमिया और सभी लोग तुम्हें ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। पहले उन्होंने ही जांच करने को कहा और फिर उन्होंने ही मना कर दिया और मुझे। आई नो, लेकिन उन लोगों में तान्या शामिल नहीं थी। वो तो जो कुछ भी कर रही थी कुछ और ही सोचकर कर रही थी। पर मैं, देखो आयुष, मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभार किसी भी गलत नतीजे के पीछे छिपे हुए अच्छे इरादे को पहचान लेना चाहिए। थानिया, शी इज जस्ट अ सिली गर्ल, अपने आप को इतना मैच्योर समझती है लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ बचकानी हरकतें करती रहती है। शायद आप ठीक ही कह रही है मैम, मैं भी कुछ दिनों से घर के प्रॉब्लम्स को लेके काफी टेंशन में हूँ कि समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत। देखो आयुष, मैं तुम्हारी परेशानियां समझती हूँ। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू कि तुम किसी और की गलतियों की सजा उसे मत दो। उसने तो तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उठा ली है। मुझसे कह रही थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन आयुष्मान को मैं उसका क्रेडिट दिलवा के रहूंगी। या आयुष, प्लीज ऐसा मत कहो, मुझसे प्लीज नाराज मत हो। मैंने तानी को वाकई गलत समझा है, क्या मुझे जाना चाहिए? देखो आयुष, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। थैंक्स फॉर योर टाइम।
देखा, अपने पापा के साथ बात करके मूड हल्का हो गया। लेकिन अभी तक तुमने बताया नहीं वो तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड का नाम क्या है, वो करता क्या है, कैसा है। बस स्पेशल है, एकदम सीधी सीधी बात करता है, सीधी और साफ, ईमानदार है, मुसीबत में लोगों की हेल्प करता है, इसीलिए वो बहुत स्पेशल है। वाह भाई, ऐसे लोग तो मुझे भी बहुत पसंद है। बुधी अब मैं चलती हूँ, अब मुझे बहुत देर हो रही है। नहीं नहीं सोनिया, अब तुम नहीं जा सकती, मुझे भी बाहर जाना है। नहीं आयुष, आई हैव टू गो, बहुत लेट हो गया यार, प्लीज आई कांट। अब प्लीज सोनिया थोड़ी देख ले, मुझे बाहर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है बुधी? नहीं, उन्होंने कहा था कि वो आज बोधी के साथ रहेगा। अब बोधी बहुत जरूरी काम आ गया, मुझे जाना ही होगा, प्लीज। अब सोनिया है ना तुम्हारे साथ, तो फिर ठीक है, प्लीज सोनिया प्लीज। ठीक है आयुष, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। हाँ बस थोड़ी देर के लिए, मैं बस गया और आया। ओके चलो, बाय बाय बोधी, बाय सोनिया। ये आयुष को अचानक क्या हुआ, और बताकर क्यों नहीं गया कि ये कहाँ जा रहा है? तो चलो एक काम करते हैं, डिनर के लिए बाहर जाते हैं, तैयार हो जाओ। ओके पापा। और सुन, एक ना एक दिन तुम्हारा वो स्पेशल फ्रेंड डिनर पे जरूर आएगा, और तब मुझे भी ये जानने का मौका मिलेगा कि वो इतना स्पेशल क्यों है। तानिया है क्या? हाँ है। आप अंदर आइए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। डॉक्टर तानिया, ये मैं कहाँ आ गया? जरूर कोई फैमिली फ्रेंड होगी। हेलो सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इस समय? कैसे आवाज आ रही सर? वो कोई भी बात हो तो मुझे हॉस्पिटल में मिलना। ये पापा भी पता नहीं किस किस पे गुस्सा करते रहते हैं, और वो भी अपॉइंटमेंट लेकर। घर तक कैसे पहुंच गए तुम? अब तुम जाओ यहां से, अभी इसी वक्त। ये हो क्या रहा है? कह तो ऐसे रहे हैं जैसे घर इनका हो। आयुष को ऐसे क्यों डांट रहे हैं? मैंने इसे डिनर पे बुलाया था, यही तो है मेरा स्पेशल फ्रेंड। आयुष्मान, इसे तुमने खाने के लिए बुलाया था? ऑफ कोर्स पापा, इसके लायक ही नहीं है। पापा आप आयुष्मान के बारे में? मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, तुम उसे समझने में भूल कर रही हो तानी। और इसके बारे में तुमने कहा था कि एक सीधा और सच्चा इंसान है? अरे एक सड़क छाप लफंगा है ये लफंगा। जिंदगी में आगे कैसे बढ़ गया इतना, उसका उसे मौका कैसे मिला, वही मुझे ताज्जुब हो रहा है। और इसकी ईमानदारी की बात कर रही थी तुम, ये कितना ईमानदार है वो तो मैं तब भी जान चुका था जब मैं पहली बार उसे मिला था। और ये क्या किसी की मुसीबत में किसी को काम आएगा? अरे मुसीबतों को देखकर भाग खड़ा होता है ये। पापा हॉस्पिटल में जो एपिडेमिक फैला था ना, उसका पता आयुष्मान ने लगाया था, मैंने या डॉक्टर मयंक ने नहीं। बस बस, ये वो नहीं है जिसे तुम और तुम्हारी बहन अच्छा बताने की कोशिश करते रहते हो।
से अच्छी तरह पता है कि तुम दोनों मेरी बेटियां, इसलिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ये सीढ़ियों की तरह। ये एक मामूली दुकानदार का लड़का लोअर क्लास फैमिली को छोड़कर हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। मैं जा रहा हूं। आयुष प्लीज प्लीज मत जाओ। पापा प्लीज, आप मेरे गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। ये मेरे घर में मेहमान होने के लायक नहीं। इसे कह दो चला जाए यहाँ से। पापा, पापा, तो तुमने ये बात मुझसे जानबूझ के छुपाई ताकि मुझे यहाँ बुला के फिर से मेरी इंसल्ट करवा सको। नहीं आयुष, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि हम सब मिलकर डिनर करेंगे और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हो गई? अब पड़ गया तुम्हारे दिल को चैन? अब तक तो वो मुझे कहते थे, आज तो वो फैमिली तक पहुंच गए। आयुष, पापा को तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। नाउ गुड नाइट। आयुष, मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा था, आज ज्यादा काम था ना। देखो, अब तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर बन गए और मैं अभी भी वही एक मामूली सा दुकानदार हूं। हम दोनों के रास्ते अलग हैं। ऐसे में ना तो एक दूसरे को कोई सवाल पूछने की जरूरत है, ना ही जवाब देने की। आयुष के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? अगर मुझे पता होता कि आने वाला आयुष्मान है तो राहुल, क्या आज भी मम्मी पापा के बीच में? अब तो आदत सी हो गई है। हाँ, मॉम अपना सामान पैक कर रही है। लगता है बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट टू। बात तो हद से ज्यादा बहुत पहले बढ़ गई थी अनुराग। चले जाने के बाद बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी ऐसा लगने लगा कि बस अब रास्ता साफ हो गया। तुम चुप क्यों हो? हाँ, तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा ना कि ये जल्दी से चली जाए, पीछा छूटे। इतनी आसानी से नहीं अनुराग, मैं यही रहूं। मेरी जिंदगी बर्बाद करके
मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी नई जिंदगी बसाने नहीं दूंगी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? कुछ पता नहीं तुम्हें? हाँ, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, तो तुम ही बताओ ना कि ये कौन। मैं भी तो देखो तुम कितना झूठ बोल सकते हो। ये झूठ नहीं है उर्वशी, ये सच है कि ये सुनैना की तस्वीर है। सोनिया, सोनिया, तुम सोनिया को क्यों बुला रही हो? सोनिया कम हिया। सोनिया तुम भी तो देखो कि मेरे और तुम्हारे पापा के बीच कभी क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि शादी के पहले और शादी के बाद भी तुम्हारे पापा ने कभी मुझसे नहीं इससे प्यार किया है, इससे। थैंक यू वेरी मच, आपने आयुष की मदद की, वरना आजकल कोई किसी के लिए कहाँ करता है। अरे एक सड़क छाप लफंगा है ये लफंगा, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ गया इतना, उसका उसे मौका कैसे मिला, वही मुझे ताज्जुब हो रहा है। और इसकी ईमानदारी की बात कर रही थी तुम, ये कितना ईमानदार है वो तो मैं तब भी जान चुका था जब मैं पहली बार उसे मिला था। इसे अच्छी तरह पता है कि तुम दोनों मेरी बेटियां हो। आयुष, आप दोनों डॉक्टर दालमिया की बेटियां हैं ना, आपको तो पता था कि वो भी वहां होंगी, कम से कम इतना तो बता दिया होता। आयुष, मुझे लगा कि अगर डॉक्टर दालमिया के साथ इनफॉर्मल तरीके से मिलोगे तो शायद आपसी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। वो मुझे कहीं पर भी मिले, वो ना कभी मेरे बारे में अच्छा सोच सकते हैं ना कभी अच्छा कह सकते हैं। और क्या कहना, जो सच है वही कहा है ना मैं, और तुम भी उससे दूर रहा करो, सुन रही हो? पापा, अब मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ, और आप ही कहते हैं ना कि आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिगाड़ भी सकते हैं और मेरा करियर बना भी सकते हैं डॉक्टर दालमिया। और क्या ये बात तानी को पता नहीं? फिर क्यों क्यों मुझे इस सिचुएशन में डाला कि वो मुझसे और नाराज हो जाए? और बिना बात के उस पे नाराज होने की क्या जरूरत थी पापा, आपने उसकी फैमिली को भी इंसल्ट कर दिया। व्हाई क्यों? बेटी मैंने बेचारे को वैसे ही कम प्रॉब्लम में डाला हुआ है आपने। मेरी कितनी प्रॉब्लम से आप जानती है ना, घर में, हॉस्पिटल में, और ये एक और, आजकल मेरे साथ जो होता है गलती होता। गलती मेरी ही है और इस गलती के लिए मैं ही आयुष से माफी मांगूंगी। तारी, आप चाहे कुछ भी कहें। हेलो, हेलो दीप, आयुष है? आयुष, तानी का फोन है तुम्हारे लिए। आयुष, मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए फोन किया था, आज जो कुछ भी हुआ। तानी, जो हो गया सो हो गया, तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन आज से यही अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अब कोई मतलब ना रखें।